नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी ये जानना चाहते हैं कि राम प्रसाद की 13वीं मूवी डिजिटली आखिर कब रिलीज़ होगी। इसका जो समय फिक्स था वो था 31 मार्च को दोपहर 12:30 बजे, और ये नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी। सीमा पावा ने जो डायरेक्ट की है राम प्रसाद की 13वीं, वो मूवी नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी। मगर दोस्तों, ये मूवी अभी तक नहीं आई है, और आप लोग गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये मूवी क्यों नहीं आई और ये कब आएगी। तो मैं इसका रीज़न आपको बता देता हूँ दोस्तों। राम प्रसाद की 13वीं मूवी डिजिटली रिलीज़ होना पोस्टपोन हो गई है, यानी ये टाल दी गई है। इसका रीज़न ये है कि 26 मार्च 2021 को नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म रिलीज़ हुई थी सानिया मल्होत्रा की, पगलेट। तो जो पगलेट की कहानी है वो काफ़ी हद तक राम प्रसाद की 13वीं की कहानी से मैच करती है। पगलेट फिल्म में भी एक इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसके घर पे शोक मनाने के लिए रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं जो 13 दिन तक वहाँ रहते हैं। तो नेटफ्लिक्स नहीं चाहता था कि जो उसकी ऑडियंस है जिन्हें वो टारगेट करते हैं वो 5 दिन के अंतराल में एक ही प्लॉट पर बनी हुई दो कहानियाँ देखें, इसलिए 31 मार्च को रिलीज़ होने वाली राम प्रसाद की 13वीं को टाल दिया गया है। अब ये मूवी कब रिलीज़ होगी दोस्तों, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मगर फिर भी जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि 15 अप्रैल 2021 को ये दिन में 12:30 बजे आ सकती है। मगर अभी इस पे कहना कुछ जल्दबाजी होगी क्योंकि फाइनल ठप्पा लगना अभी बाकी है। मगर अभी के लिए जो टेंटेटिव डेट तैयार की गई है वो है 15 अप्रैल 2021। तो दोस्तों, अपना समय बचाएं, व्यर्थ में मूवी को इधर उधर सर्च ना करें, आप इंतज़ार करिए। ये मूवी आपको ज़रूर ऑनलाइन डिजिटली देखने को मिलेगी। तब तक आप इस मूवी को कहीं से भी डाउनलोड करने की कोशिश भी ना करें क्योंकि पायरेसी करना भी इलीगल है। तो दोस्तों, ये मूवी जल्दी नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होगी और वीडियो बना के मैं आप सभी को जानकारी दे दूंगा कि ये मूवी आपको कहाँ मिलेगी। तो इसी तरह के वीडियोस हमारे चैनल पर आते रहते हैं दोस्तों, वो वीडियोस आपको समय पर मिले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। फिल्मों के रिव्यू ड्रीम इलेवन की टीम्स हम सभी तरह के वीडियो बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।